प्यारे बच्चों, मैं राहुल चौधरी आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ फंडामेंटल, इंग्लिश ग्रामर का फंडामेंटल। अब इसको आप ग्रामर का फंडामेंटल कहें या लैंग्वेज का फंडामेंटल कहें, लेकिन ये फंडामेंटल ही है, इससे छोटा कुछ होता ही नहीं है। ये सबसे छोटी इकाई से शुरू करें, लेटर से शुरू कर रहे हैं। अब जब भी आप इंग्लिश की शुरुआत करते हैं तो इससे छोटा आपको नहीं मिलने वाला है। सबसे छोटे अंक में आप जाते हैं तो क्या देखते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट है ये ABCD। कहते हैं ना ABCD भी नहीं जानते हो, मतलब कुछ नहीं जानते हो। तो सबसे पहले हमको जानना होता है क्या, लेटर। और लेटर कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर। ये आप पहले से भी जानते हैं, आपने पिछली कक्षा में भी इसको पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कैपिटल लेटर क्या होता है। देखिए कैसे इसको लिखते हैं, यहां हमको पढ़ना दोनों को बिल्कुल एक जैसे है, लेकिन लिखते हम अलग अलग तरीके से, इसलिए इसको दो भाग में बांटते हैं। और अक्सर क्या होता है कि जो पहला लेटर लिखते हैं किसी वर्ड का वो कैपिटल होता है, इसलिए जानना हमको दोनों को होगा। देखिए ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, अब ये क्या हमारा कैपिटल लेटर है, ठीक वैसे ही हमारा स्मॉल लेटर है। अब इन लेटर्स में से भी हम कुछ निकालते हैं, वो क्या निकालते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट। तो इन 26 अल्फाबेट भी इसको कहते हैं लेटर को, तो इस अल्फाबेट में 5 जो है वो वोवेल है, और वो 5 वोवेल कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, वोवेल कहते हैं। क्यों कहते हैं ये, चलिए बता देता हूं। इसको इसलिए वोवेल कहते हैं क्योंकि इसको जब हम बोलते हैं तो हमको दूसरे लेटर की मदद नहीं लेनी पड़ती है। जैसे हम ए बोलते हैं तो दूसरे की मदद नहीं लेनी पड़ती, लेकिन जब हम बी बोलते हैं तो हमको क्या लेना पड़ता है, आप एक बार उच्चारण करके देख लीजिए। तो इन पांचों को जब हम बोलते हैं तो दूसरे की मदद हमको नहीं लेनी पड़ती, इसलिए इसको वोवेल कहते हैं। और अन्य को जब बोलते हैं तो लेनी पड़ती है, इसलिए उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो आपको कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर समझ में आ गया। ये जो है ये ऑर्थोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। अब ऑर्थोग्राफी क्या होता है ये अगर आपको जानना है तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से आप ऑर्थोग्राफी का हमारा अलग वीडियो है जिसको जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए, अब हम आते हैं कि इन्हीं लेटर्स को यूज करते हैं जब हम एक वर्ड के रूप में इसको फॉर्म करते हैं, बनाते हैं वर्ड। तो हमको एक बात देखना होता है कि जैसे हमने तीन लेटर यहां लिया CAT, अब हमको ये देखना होगा कि इसका कोई मीनिंग यानी इसका कोई अर्थ निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर इसका कोई अर्थ निकल रहा होगा तो ये वर्ड होगा, और अगर अर्थ नहीं निकल रहा होगा, अगर मीनिंग नहीं निकल रहा होगा तो क्या हो जाएगा, वो वर्ड नहीं होगा। हालांकि अगर हम पीछे जाएं, पास्ट में जाएं, तो पास्ट में वर्ड दो प्रकार के होते थे, मीनिंगफुल भी और मीनिंगलेस भी, यानी सार्थक भी और निरर्थक भी। लेकिन अब मीनिंगलेस वर्ड को वर्ड नहीं कहा जाता है, अब मीनिंगलेस वर्ड हमारे ग्रामर में नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि कुछ लेटर्स को मिला, जैसे CAT RAT MAT BOY PEN MAN, आपको इसका मीनिंग भी पता होगा। कैट आप कहते हैं कि इसको बिल्ली को, रैट चूहे को, मैट चटाई को, बॉय लड़के को, पेन कलम और मैं आदमी। और ये जो पार्ट आता है हमारा, ये इंग्लिश ग्रामर के इटीमोलॉजी में आता है। तो आप इटीमोलॉजी का वीडियो भी हमारा देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है। उसके बाद हम आते हैं इस चीज को, अगर हम डिफाइन करें, अगर डिफिनीशन हमसे पूछा जाए क्लास में तो हम क्या कहेंगे। हमने तो आपको बता दिया कि लेटर को मिलाते हैं तो वर्ड बनता है, लेकिन आपको तो परीक्षा में लिखना होगा व्हाट इज वर्ड या डिफाइन वर्ड। तो आप क्या कहेंगे, ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर इज कॉल्ड वर्ड। क्या कहेंगे, ए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल लेटर इज कॉल्ड वर्ड, ठीक है। तो आपको लेटर समझ में आ गया, वर्ड समझ में आ गया। अब इन्हीं वर्ड को देखिए, लेटर को मिलाते हैं तो क्या बनता है, वर्ड बनता है। और जब हम वर्ड को मिलाते हैं तो वो बन जाता है क्या, सेंटेंस। सेंटेंस जैसे आई एम ए बॉय, यहां एक वर्ड है, दूसरा वर्ड, तीसरा, चौथा। देखिए सबके अपने अपने मीनिंग है, आप ये ना समझे कि यहां कोई बिना मीनिंगलेस है। आई यानी मैं, एम यानी हूं, ए यानी एक, और बॉय यानी लड़का। अगर इसमें से किसी का भी मीनिंग नहीं होता तो ये सेंटेंस में यूज नहीं होता। तो वर्ड को ही हम यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, दूसरे किसी चीज को हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आई एम ए बॉय, एक सेंटेंस है, मैं एक लड़का हूं। दिस
इज ए काउ, दिस यानी यह इज है ए एक, और काउ यानी गाय, तो यह एक गाय है। मिल्क इज व्हाइट, मिल्क यानी दूध, इज है व्हाइट यानी उजला, तो दूध उजला होता है। और राम रीड्स ए बुक, तो राम नाम है, नाउन है, रीड्स पढ़ता है ए एक बुक यानी किताब। तो इंग्लिश ग्रामर के इस पार्ट को हम लोग सिंटैक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर का ये पार्ट क्या जाना जाता है? सिंटैक्स के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। आशा करता हूं बच्चों कि आपको अभी लेटर, वर्ड और सेंटेंस का बेसिक फॉर्म आपके समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय।